बात करने वाले हैं हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है और ये 4 तस्वीरें देखिए। सबसे पहले आप सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट के विशेष विमान से रायपुर पहुंची, जहां स्वागत करने के लिए प्रदेश के राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डेप्यूटी सीएम अरुण साव के साथ साथ अन्य दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे। बकायदा राज्यपाल और सीएम ने बुके देकर छत्तीसगढ़ की धरती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। तीसरी तस्वीर एम्स की है, जहां दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि पहुंची हैं और आज शाम राष्ट्रपति एनआईटी में भी होने वाले दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाली हैं, जिसके लिए संस्थान ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो इनका है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति पुरखौती मुक्तांगन जाने वाली हैं, जहां पर जनजातीय समुदाय के लोगों से राष्ट्रपति बातचीत करते हुए नजर आएंगी, मुखातिब होते हुए नजर आएंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत 70 लाख महिलाओं को 9वीं किश्त की राशि वो जारी करते हुए भी नजर आएंगी। 26 अक्टूबर को सुबह राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर जाएंगी, उसके बाद राष्ट्रपति आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। ये कल का उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है। फिर रायपुर लौटने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस और आयुष यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। पूरे दिन के व्यस्त कार्यक्रमों के बाद कल शाम 5:10 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो 2 दिन के दौरे पर पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली हैं।